अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अब एक और भाजपा नेता का दर्द जुबां पर आया है। दौराला मंडल मंत्री भाजपा युवा मोर्चा अक्षय दौराले ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। भाजपा के तमाम पदाधिकारियों व नेताओं की लंबी सेवा के बाद भी वह स्वयं को अब ठगा हुआ पा रहे हैं। गंभीर बात यह है कि जब से कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ है, मेरठ में कहीं भी आपातकालीन सेवाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं है। कुछ अस्पतालों में यदि आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होने का बोर्ड लगा भी है तो वह सेवाएं केवल बोर्ड तक ही सीमित है। हालात यह है कि शहर के सभी इमेजिंग सेंटर बंद पड़े हैं, कोई आवश्यक जांच और फिर इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। दौराला मंडल मंत्री की मां की हालत बेहद नाजुक है। कहीं इलाज नहीं मिला तो मेडिकल कॉलेज के सरकारी व्यवस्था के हवाले उन्हें छोड़ना मजबूरी हो गया। देखिए अक्षय का दर्द, अक्षय की ही जुबानी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी का काम किया, उनके उसके लिए ही काम किया, किंतु मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी कुछ दिनों से। उनके पेट में समस्या थी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया भर्ती करने के लिए, और अब इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, क्योंकि प्राइवेट वालों ने कह दिया कि पहले COVID-19 की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और मेरी मम्मी की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, मेडिकल में कोई भी सुविधा नहीं है। चार चार तीन तीन घंटे में डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उन्हें मर्ज का तो पता नहीं, क्या मर्ज है, किसी महिला का मरीज का है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, ना कोई भी टेस्ट वेस्ट ले रहे। और बस ऐसी बेसुध पड़ी है मेरी माँ, हालत गंभीर है, बस मेरे लिए बहुत बुरा समय है।